हाय फ्रेंड्स, स्वागत है नई क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड सेवन का जो एग्जाम सभी होने वाला है उसके मैथ्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया भी था और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्या कि पहला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन अ क्यूबिकल वेसल, ठीक है, ऑफ साइड दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्यूब है यानी क्यूबिकल वेसल है यानी क्यूब शेप है। तो मान लेते हैं ये है सपोज एक क्यूब, ये हो गया आपका क्यूबिकल वेसल, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट रॉड, तो लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग क्या होगा, अब जब उसको हम लोग अब प्लेस करेंगे तो उस सबसे क्या होगा कि डायगोनल जो होगा, सपोज इसको हम लोग अगर हम लोग इस तरह से अगर एक पार्ट को निकाल लें तो ये होगा ना लॉन्गेस्ट रॉड, सबसे बड़ा रॉड, ऐसे डायगोनली हम लोग सेट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि लेंथ क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बट ये किस में होता है, कीबोर्ड में होता है। बट यहाँ पे क्या है कि क्यूब है तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना, यानी हो गया आपका 3 × L², ठीक है। सारे इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होंगे क्यूब में, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं सारे साइड्स और हाइट। तो ये हो गया आपका एल, बाहर आ जाएगा एल एंड देन रूट थ्री। तो एल मीन्स हो गया लेंथ, तो लेंथ पे साइड क्या दिया हुआ है, बस साइड साइड ऑफ द क्यूब वेसल्स बोल सकते हैं आप। तो यहाँ दिया हुआ है साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 एंड देन ये हो गया आपका रूट थ्री और ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10√3 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन नंबर है डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ दिया हुआ है कि हाउ मच क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट हैविंग द बेस रेडियस 7 मीटर एंड हाइट दे दिया हुआ 24 मीटर। मीन्स हो गया क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम एक क्लॉथ दिया हुआ है जिसका वाइड दे दिया हुआ है 2.5, ठीक है, जिसका ये वाइड दे दिया हुआ है 2.5 मीटर, ओके। आगे आपको बोल रहा है कि टोटल क्लॉथ कितने लगेंगे एक कॉनिकल टेंट बनाने के लिए। तो कॉनिकल टेंट आपको पता ही होगा कि कौन, ये, ठीक है, जिसका रेडियस दे दिया हुआ है ये R = 7 मीटर एंड हाइट, ये आपका हो गया हाइट, इसे हम लोग बोलते हैं हाइट, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एच से, और ये एच आपका गिवेन है 24 मीटर, ठीक है। तो अगर हम इस कॉनिकल टेंट जो है इसका हम लोग एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया व कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो फार्मूला होता है पाई आर एंड देन एल, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ तक जितना क्लॉथ लगा, अब एरिया निकालने के बाद टोटल क्लॉथ पता चल जाएगा कितना क्लॉथ लगेगा, और उसके बाद क्लॉथ का वाइड कितना दे दिया हुआ है कि क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड है, और उस क्लॉथ से फिर हम उसको टोटल एरिया को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कितना क्लॉथ निकलेगा आपको पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दे दिया हुआ है। तो हम लोग स्लेंट हाइट निकालेंगे, तो स्लेंट हाइट आपको पता ही होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये 90 डिग्री, है ना। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाते तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर, ठीक है। तो ये h, अब यहाँ h का वैल्यू कितना दिया है 24, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576, देन प्लस, अब ये r, r कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया आपका 49, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 96 हो गया 15 कैरी 1, ये हो गया 11 और ये हो गया 12 एंड देन 1 ये हो गया 6, ठीक है, आपको मिला 625। और 625 आपको पता ही होगा कितने का होता है, 25 का होता है स्क्वायर, सो रूट से 25 आ गया बाहर और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट मिला आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया,
ये हो गया पाई, यानी 22/7 एंड देन इंटू आर हो गया आपका 7 एंड देन इंटू एल 25 मिला। ठीक, ये 7 से 7 कैंसिल, यानी मिला क्या 22 देन इंटू 25। तो टोटल क्लॉथ कितना लगेगा, रिक्वायर्ड क्लॉथ आपको मिला। अब इस एरियास को अगर हम, ये जो क्लॉथ दिया हुआ है जिसका वाइड दे दिया 2.5 मीटर, इसे हम लोग डिवाइड कर दे तो आंसर मिल गया आपको। तो 2.5 मीटर से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। ये मीटर में था, ये आपका सेंटीमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है, ये भी मीटर है ना। तो नेक्स्ट अभी क्या होगा, अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ होगा आपका ऊपर एक 10। ठीक है, अब ये 25, ये 25 गया, बचा कितना 22 एंड देन 10, तो ये हो गया 22 और ये एक 0। ठीक है, ये हो गया मीटर। तो टोटल क्लॉथ कितना लगेगा, 220 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और जो क्लॉथ का वाइड दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो टोटल क्लॉथ निकल जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट्स लेंथ हाइट भी दे दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन याद रखोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड देन एच। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो अब यहाँ पे देखोगे कि एच तो गिवेन है, हाइट दिया हुआ है 21, बट आर चाहिए, आर तो गिवेन नहीं है। तो यहाँ देखोगे स्लेंट हाइट दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये रूट के अंडर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको स्क्वायर को हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा एल स्क्वायर, और एच स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो एच स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखोगे एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28, यानी 28 का स्क्वायर एंड देन माइनस एच, एच कितना दिया हुआ है 21, ये हो गया आपका 21 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो अगर 28 का स्क्वायर आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर अब हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 81, ये हो गया 9 एंड ये हो गया आपका 224 एंड देन इंटू, और एक बार क्या होगा माइनस होगा, तो 28 से 21 गया तो कितना आया 7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे आपको चाहिए क्या, आर स्क्वायर चाहिए ना, तो हम लोग आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, आर निकालेंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो निकल जाएगा 7 बट ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या करना होगा, अगेन स्क्वायर करना होगा, ये स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल ही चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 एंड देन इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 49 इंटू 7, तो ये हो गया आपका 49 एंड देन इंटू 7 एंड देन अगेन इंटू एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना दिया है 21, सो ये 21। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, फटाफट हम लोग कैंसिल कर जाएंगे, ये 7 से ये 7 ये कैंसिल हो गया। अब आगे देखोगे ये 3 से 21 गया ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो मिला क्या आपको 22 एंड देन इंटू 49 एंड देन इंटू 7। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अब इसको इंटू तो करना ही होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिक, ये 49 और ये 7, तो ये 7 का स्क्वायर है और यहाँ 7 है, यानी टोटल मिलकर क्या हो गया 7 का, ये तीनों मिलकर क्या हो गया 7 का क्यूब हो गया, और आपको याद ही होगा 7 का क्यूब 343। ठीक है ना, अब इस 22 से हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इंटू आपको पता है 1 स्टेप इंटू, 3 से 2 को इंटू करेंगे ये हो गया आपका 6 एंड देन 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 और 3 2 जा हो गया 6, 8 6 हो गया 14 कैरी 1, ये हो गया आपका 6 और ये अगेन 8, तो ये हो गया आपका 8 6 हो गया 14 और उधर का 1 ये हो गया आपका 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 ये हो गया आपका 7, और यूनिट किस में है, सारे सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो यूनिट क्या हो जाएगा क्यूब,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7546 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स बी इन द रेशियो 1:4, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्स दे दिया हुआ है 1:4 उसका रेशियो, एंड द रेडियस ऑफ देयर बेस बी इन द रेशियो, और रेशियो दे दिया हुआ है रेडियस का, इन दोनों का रेडियस भी दे दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है कि रेशियो में पूछ रहा है हाइट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा वॉल्यूम क्या होगा कौन का। तो आपको पता भी होगा कि 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एंड देन एच, ठीक है। दूसरा हो गया अगेन 1/3 पाई आर, अब यहाँ पर रेडियस हम लोग चेंज कर लेंगे क्योंकि दो अलग अलग वॉल्यूम है, तो ये पहला वॉल्यूम हो गया, दूसरा वॉल्यूम, ये हो गया आर कैपिटल ले लेते हैं और एच को हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:4 यानी 1/4। तो दोस्तों देखोगे 1/3 पाई 1/3 पाई ये तो कैंसिल हो गए, बचा आपके पास क्या आर एच, यहाँ भी आर एच, ठीक है ना। तो अब देखोगे अभी रेडियस, इन दोनों रेडियस का रेशियो भी दिया हुआ है 4 और 5, तो पहले वाला हो गया आपका 4, दूसरा वाला हो गया आपका 5, ठीक है। तो इम्प्लाइज यहाँ पे हम करते हैं इसको, अब ये आर, अब इसको लेंगे हम लोग 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर और ये स्मॉल एच डिवाइड बाई नेक्स्ट वाला रेडियस कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5 स्क्वायर कैपिटल एच दैट इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया, ये हो गया आपका रेशियो पूछा है यानी हाइट का, ये एच बाई स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। अब ये देखोगे ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ऊपर जाएगा तो यहाँ 25, और अब ये नीचे, अब यहाँ 4 स्क्वायर है और ये इस साइड आएगा इंटू होगा, यहाँ भी 4 है तो टोटल क्या हो गया 4 स्क्वायर 16, और 16 इंटू 4 करोगे तो 64, यानी रेशियो क्या मिला 25:64, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज डबल देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई, अब ये परसेंटेज में दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आने के चांसेस भी है, अभी ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ देखोगे सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको ये पता है। तो अब ये जो कोन है, अब इस कोन का हमें पता है कि वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड देन एच, ठीक है, ये होगा वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइट को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये हाइट जो है एच, इसको डबल कर देते हैं यानी 2h कर दिए, हो गया। अब देखोगे सेम है, ये सेम ही है, बस यहाँ 2 आपको दिख रहा है तो 2 को बाहर लेके आ जाते हैं, तो 2 एंड देन ये हो गया सेम पाई आर स्क्वायर एच, सेम हो गया ना। तो अब ये देखोगे 2 और ये क्या है, वॉल्यूम है ना, तो ये क्या हो गया 2 वॉल्यूम है ना, तो पहला वॉल्यूम भी था, सेकेंड वाला क्या हो गया, उसका डबल हो गया। तो अब देखोगे अब ये पूछ रहा है देन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अब ये कितना इंक्रीज हुआ, पहले भी था अब क्या हो गया 2 भी हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, अब ये पहला था आपका कंडीशन में और ये दूसरा कंडीशन, पहले था आपका भी, अब ये हो गया क्या 2 भी, ठीक है। हाइट डबल होने के साथ साथ ये क्या हो गया, डबल हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 2 भी से भी गया यानी हो गया भी, तो अब ये भी इंक्रीज हुआ यानी रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका पूछ रहा है, रिक्वायर्ड परसेंटेज दैट इज इक्वल्स टू, अब ये कितना का डिफरेंस है भी का, और डिवाइड बाई कंपेयर किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट कितना है भी एंड देन इनटू 100%, ठीक है ना, परसेंटेज निकालना 100 और ये भी कैंसिल यानी हो गया आपका 100 ये परसेंटेज, ठीक है। तो 100% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर व्हाइल द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ देयर रेडियस पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अब कोन का सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एंड देन एल, ठीक है। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, मान लेते हैं ये एक फर्स्ट कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है,
इस ट्वाइस, अब ये क्या हो गया, इक्वल है इस ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, और एक दूसरे का और एक कौन है उसका क्या हो गया, डबल है, तो हमें पता नहीं है, तो हम फार्मूला तो सेम ही होगा, कर्व सरफेस एरिया पाई, जस्ट चेंज क्या होगा, रेडियस और स्लेंट हाइट चेंज होगा, तो रेडियस हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर, और स्लेंट हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एल, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, व्हाइल द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर, जो बाद में जो बना है, इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, ये जो पहले वाला था उसका डबल हो गया, ठीक है, तो अब ये डबल हुआ, तो अब हम सेम, तो ये एल क्या हो गया, अब ये एल में यहाँ कैपिटल एल लिख के दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका, ये उसका डबल है ना, तो ये हो गया टू एंड देन स्मॉल एल, ठीक है, डबल हो गया, बोला ना यहाँ पे स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर, ठीक है, जो आगे था उसका डबल हो गया, क्लियर। तो अब आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, यानी रेडियस पूछ रहा है रेशियो में, तो फर्स्ट पहले कौन वाला आएगा, पहले स्मॉल एंड देन उसके बाद बड़ा वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि पहला कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट कौन दिया हुआ, फर्स्ट कौन हम लोग क्या दिए हैं, स्मॉल आर, तो नेक्स्ट वाला क्या है, कैपिटल आर, तो यानी हमारा जो आंसर आएगा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉल आर और एंड देन कैपिटल आर, यानी कि आप ये कर दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना, ये याद रखोगे आप, तो अब यहाँ देखोगे क्या क्या कैंसिल होगा, ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि डिवाइड ही होगा, अब बचा आपके पास ये एल और ये एल भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एल डिवाइड होगा तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, अब इस साइड बचा आपका आर, और ये कैपिटल आर है, लिख लेता हूँ एक बार, ये टू एंड देन टू, ये हो गया आपका फोर, और ये हो गया कैपिटल आर, ठीक है, अब ये स्मॉल आर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू फोर, अब ये नीचे नहीं है तो क्या होगा वन, सो आंसर हो गया फोर रेशियो वन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर एंड द राइट सर्कुलर कोन, और दूसरा क्या है, कोन है ऑफ द सेम बेस एंड द सेम हाइट विल बी, ठीक है, बेस और हाइट क्या है, सेम है, तो दोस्तों आप याद रखोगे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दोनों तो वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये हम लोग डिनोट कर लेते हैं भी, और दूसरा वॉल्यूम को हम लोग डिनोट कर लेते हैं भी वन, तो ये वॉल्यूम हो गया आपका सिलेंडर, और ये हो गया आपका कोन का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एंड देन एच, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, सिलेंडर का ही वॉल्यूम का वन थर्ड होता है, ठीक है, वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। अब देखोगे यहाँ पे जो रेडियस है और यहाँ का रेडियस और हाइट, यहाँ भी हाइट, तो अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, सेम बेस एंड द सेम हाइट, तो बेस जो है सेम है, यानी रेडियस क्या है, सेम है, और हाइट भी क्या है, सेम है, तो अब क्या होगा, अब ये पाई, सबसे पहले तो पाई पाई को कैंसिल कर देते हैं, और रेडियस यानी आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट हाइट भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ये ऊपर वन है ना, और नीचे हो गया आपका वन बाई थ्री, तो थ्री को ऊपर ले जाएंगे तो ये थ्री एंड देन डिवाइड बाई वन, सो आंसर हो गया आपका थ्री रेशियो वन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया थ्री इज टू वन, सो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, यहाँ दिया हुआ है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन दैट हैव द सेम रेडियस एंड द सेम वॉल्यूम, अब यहाँ वॉल्यूम दोनों का क्या है, इक्वल है, यानी ये सपोज अगर ये कोन है, ठीक है, और ये हो गया आपका सिलेंडर, हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच एंड देन इसका वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड टू द कोन, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हम लोग क्या करते हैं, एच स्मॉल लेते हैं, और इसका क्या करते हैं हम लोग चेंज कर लेते हैं कैपिटल एच ले लेते हैं, ठीक है, और जो बेस था यानी आपका रेडियस, दोनों का रेडियस सेम था, सेम रेडियस है ना, तो ये आर और ये आर दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या दिया हुआ है आपस में, इक्वल, ठीक है, तो बट सबसे पहले किसका कौन बोला गया है कि सिलेंडर है ना पहले, तो इसका हम लोग ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एंड देन स्मॉल एच दैट इज इक्वल्स टू वन थर्ड वॉल्यूम ऑफ ए कौन, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एंड देन कैपिटल एच, ये कैपिटल एच इसका हो गया और ये स्मॉल एच,
ठीक है। नेक्स्ट अब देखोगे कैंसिल क्या होगा, तो रेडियस तो सेम बोला, तो ये रेडियस तो कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, यानी हो गया आपका स्मॉल एच और ये कैपिटल एच को आप इस साइड लाओगे नीचे, तो ये हो गया आपका वन एंड देन डिवाइड बाई थ्री। तो आंसर क्या हो गया, अब ये स्मॉल एच किसका है, सिलेंडर का है, पहले सिलेंडर ही बोला हुआ है एंड देन नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट कौन, सो आंसर हो गया आपका 1:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1:3 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो दोस्तों आज मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे करवाए जो आने के चांसेस है एग्जाम्स में, अभी ग्रेड 7 का जो एग्जाम्स होने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।